11.62 mmg। इसका रेंज 1800 मीटर है। फायर की रफ्तार नॉर्मल 100 राउंड प्रति मिनट, रैपिड 200 राउंड प्रति मिनट और साइक्लिक रेट ऑफ फायर 600 टू 1000 राउंड प्रति मिनट है। नुक्ता टारगेट वो टारगेट है जिसकी चौड़ाई 4 मील तक और गहराई 50 मीटर तक होती है। ऐसे टारगेट लड़ाई के मैदान में नंगी आंख से एक तिनके के माफिक नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पर अकेली गाड़ी, दुश्मन का बंकर, एमएमजी या एलएमजी पोजीशन खुले में। चार मिल्स को कवर करने का तरीका। एक बर्स्ट फायर करने पर बीटन जोन की चौड़ाई 2 मिल्स है। 4 मिल्स की चौड़ाई वाले टारगेट को केवल 2 बर्स्ट से कवर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शिस्त का निशान सही जगह पर होना चाहिए, जो कि मुमकिन नहीं है। एक गन से फायर करते समय सबसे पहले गन नंबर टारगेट पर गन ले करता है और 20 राउंड का एक सर्विस बर्स्ट फायर करता है। इसके बाद दाहिने एक क्लिक करता है और एक और बर्स्ट फायर करता है। एक क्लिक और दाहिने करके फिर फायर करता है। अब गन नंबर बाएं 3 क्लिक करके एक बर्स्ट और फायर करता है और आखिर में एक क्लिक बाएं करता है और फिर एक बर्स्ट फायर करता है। टारगेट एंगेज हो जाने के बाद गन नंबर वापस उसे सेंटर में ले करता है और ऑन पुकारता है। सबसे पहले दोनों गन नंबर टारगेट के बीच में गन ले करते हैं और एक बर्स्ट फायर करते हैं।
नंबर एक गन दाहिने की तरफ एक क्लिक और नंबर दो गन बाएं की तरफ एक क्लिक लगाते हैं। दोनों गन एक और बस्ट फायर करते हैं। फिर नंबर एक गन एक क्लिक दाहिने और नंबर दो गन एक क्लिक बाएं फायर करते हैं। इसके बाद नंबर एक गन बाएं एक क्लिक करता है और फायर करता है और नंबर दो गन दाहिने एक क्लिक करता है और फायर करता है। फिर नंबर एक गन बाएं एक क्लिक और नंबर दो गन दाहिने एक क्लिक करता है, यानी वापस सेंटर में आ जाते हैं और एक बस्ट फायर करते हैं। नंबर एक गन ओवरलैप के लिए एक और क्लिक बाएं जाता है और उसी प्रकार नंबर दो गन ओवरलैप के लिए एक क्लिक दाहिने जाता है और दोनों गन फायर करते हैं और वापस सेंटर में आकर ऑन पुकारते हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि एक बार फायरर के फिस्ट लेने के बाद उसे टारगेट को केवल क्लिक लगाकर बर्बाद करना है, इसलिए नुक्ता टारगेट को बर्बाद करने की विधि है क्लिक फायर क्लिक फायर। चौड़ाई वाला टारगेट वो टारगेट है जिसकी चौड़ाई 4 मील से अधिक और गहराई 50 मीटर तक हो। उदाहरण के लिए व्हीकल कॉन्वॉय, मोटर पोजीशन, दुश्मन का फायरबेस। चौड़ाई वाले टारगेट को मारने के लिए गन को टारगेट के मध्य से दाहिने और बाएं ट्रैवर्स किया जाता है। चौड़ाई वाले टारगेट को ट्रैवर्सिंग ले की फायर की विधि से बर्बाद किया जाता है। एक गन से फायर करते समय सबसे पहले गन नंबर गन को टारगेट के सेंटर में ले करता है। फायर के आदेश पर एक बस सेंटर में फायर करता है और क्लिक शिस्त फायर करते हुए टारगेट के दाहिने किनारे तक जाता है। एक बस टारगेट के दाहिने किनारे के दाहिने फायर करता है और गन को फिर टारगेट के सेंटर में ले करता है। गन नंबर क्लिक शिस्त फायर करते हुए अब टारगेट के बाएं किनारे तक जाता है। दिशा की गलती को छुपाने के लिए एक क्लिक टारगेट के बाहर फायर करता है और गन को दोबारा टारगेट के सेंटर में ले करके ऑन पुकारता है। एक सेक्शन से फायर करते समय सबसे पहले दोनों गन को टारगेट के सेंटर में ले किया जाता है। फायर के आदेश पर दोनों गने एक बस सेंटर में फायर करती हैं। फिर नंबर एक गन दाहिने क्लिक शिस्त फायर करते हुए टारगेट के दाहिने किनारे तक जाती है और नंबर दो गन क्लिक
क्लिक शेष फायर करते हुए टारगेट के बाएं किनारे तक जाती है। दोनों गने दिशा की गलती को छुपाने के लिए एक बस्ट टारगेट के बाहर फायर करती हैं, फिर क्लिक शेष फायर करते हुए अंदर को आती हैं और सेंटर में आकर एक एक क्लिक ओवरलैप करती हैं और फिर दोनों गन नंबर्स टारगेट के सेंटर में ले करके ऑन पुकारते हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि एक बार फायरर के गन ले करने के बाद शिस्त लेने के बाद उसे टारगेट को बर्बाद करने के लिए हर बार शिस्त लेकर फायर करना पड़ता है, इसलिए चौड़ाई वाले टारगेट को बर्बाद करने की विधि क्लिक शिस्त फायर है। लड़ाई के मैदान में दुश्मन अपने ऊपर कारगर फायर आने पर कभी कभी धुएं का पर्दा बना लेता है, जिससे कि हम अपने फायर का असर ना देख पाएं। ऐसी हालत में टारगेट को बर्बाद करने के लिए ऑब्स्क्यूरेशन ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मौके पर सेक्शन कमांडर 1/4 अंदर ले का आदेश देता है। गन नंबर्स इस आदेश पर गन को दाहिने बाएं किनारे से 1/4 अंदर ले करते हैं। सेक्शन कमांडर शिस्त के लिए निशान चुनो का आदेश देता है और टारगेट की चौड़ाई नापता है और उसके 4 भाग बनाता है। 4th भाग को क्लिक्स में बदलता है और दिशा की गलती को छुपाने के लिए उसमें एक क्लिक और जमा करता है और दाहिने बाएं उतने ही क्लिक फायर करने का आदेश देता है। गहराई वाला टारगेट वो नुक्ता या चौड़ाई वाला टारगेट है जिसकी गहराई 50 मीटर से अधिक हो। एक समय में एक सेक्शन को 200 मीटर से अधिक गहराई वाला टारगेट नहीं देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर प्लाटून डिफेंडेड लोकेलिटी या दुश्मन का पेट्रोल। टारगेट की किस्म के मुताबिक नुक्ता गहराई वाले टारगेट को आधे रास्ते दाहिने बाएं 2 क्लिक ले और चौड़ाई गहराई वाले टारगेट को आधे रास्ते ट्रेवर्सिंग ले की फायर की विधि से एंगेज किया जाता है। Thank you.
टारगेट की किस्म के मुताबिक गन को टारगेट के सेंटर में ले किया जाता है और गन नंबर्स उस टारगेट को नुक्ता या चौड़ाई वाले टारगेट की तरह एंगेज करते हैं। गहराई वाले टारगेट को मारने के लिए लिफ्ट्स देनी पड़ती हैं, जैसे कि नीचे 50, फिर ऊपर 100, और ये लिफ्ट्स तब तक दी जाती हैं जब तक टारगेट की गहराई पूरी न हो जाए। हर लिफ्ट पर टारगेट को नुक्ता या चौड़ाई वाले टारगेट की तरह एंगेज किया जाता है। एक सेक्शन से फायर भी हर लिफ्ट पर टारगेट को नुक्ता या चौड़ाई वाले टारगेट की तरह एंगेज किया जाता है और तब तक लिफ्ट्स दी जाती हैं जब तक टारगेट की गहराई पूरी ना हो जाए। टारगेट की किस्म के मुताबिक नुक्ता गहराई वाले टारगेट को आधे रास्ते दाहिने बाएं दो क्लिक ले और चौड़ाई गहराई वाले टारगेट को आधे रास्ते ट्रेवर्सिंग ले की फायर की विधि से एंगेज किया जाता है। जिस प्रकार आपने देखा कि टारगेट की किस्म के मुताबिक उसे एंगेज किया जाता है, उसी प्रकार हर लिफ्ट पर टारगेट को बर्बाद करने की विधि नुक्ता या गहराई वाले टारगेट की विधि के अनुसार ही होगी, यानी कि नुक्ता गहराई वाले टारगेट के लिए क्लिक फायर और चौड़ाई गहराई वाले टारगेट के लिए क्लिक शिस्त फायर।
यदि जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों।